फिर कुछ मस्ती की है यहाँ पर। अब चलते हैं जयगढ़, ऊपर चले जाएंगे किले के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर, और वहाँ है एशिया की सबसे बड़ी टॉप। और अगर इसको सपोर्ट देनी होती है तो इसके पीछे देखिए यहाँ, तो चलिए थोड़ा सा राउंड। तो दोस्तों इतनी दूर आने के बाद भी आमेर फोर्ट यहाँ से हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो जो है वहाँ दिख गया एकदम क्लियर। आमेर फोर्ट देखिए, आपको आमेर दिखाने के लिए हम कहाँ से कहाँ। सनसेट होने में अभी वक्त है, तो आपको बता रहे हैं उन्होंने भी विशेष महल देखा नहीं है। तो दोस्तों कैमरा अलाउड नहीं था, इस वजह से हम वैक्स म्यूजियम और शीश महल का कोई क्लिप नहीं बना पाए। पिछला वीडियो देखिएगा, और भी हमने काफ़ी कुछ मस्ती की है यहाँ पर। अब चलते हैं जयगढ़, और जयगढ़ जाने के लिए हमें पीछे जाना होगा। एक मोड़ है जहाँ से एक तरफ जयगढ़ फोर्ट है, दूसरी तरफ है नाहरगढ़ फोर्ट। तो जयपुर से आते समय उस मोड़ से हमने इधर टर्न ले लिया था, अब की बार हम जाएंगे जयगढ़। तो चलिए चलते हैं। जयपुर की तरफ से और अब हमें टर्न लेना है इस तरफ, बोर्ड लगा है जयगढ़ किला। तो एंट्री हो गई और अब बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे किले के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर, और वहाँ है एशिया की सबसे बड़ी टॉप। देखते हैं जयगढ़ फोर्ट में बिल्कुल ऊपर आ गया टॉप पर, यहाँ रखी है दुनिया की सबसे बड़ी टॉप। देखेंगे पहले जयगढ़ फोर्ट के आमेर लेक, आमेरगढ़ के पास है ये बिल्कुल। ये लेक यहाँ से कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है इस झरोके से। और अब चलते हैं जी टॉप देखते हैं, वो देखिए टॉप ऊपर शेडिंग की गई है पूरी, और इट्स लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जयवान टॉप, ये असली है। हाँ, द बिगेस्ट कैनन ऑफ वर्ल्ड है ये बेटा, इधर ये असली है। हाँ तो असली है, दीवारों से गिरने का खतरा होने के लिए दीवारों पर मत चढ़ना। ये देखिए कितनी बड़ी टॉप है, इसका टायर देखिए आप। मुझे लगता है एक वो गोला सा निकला है।
तो आपका फ्रंट देखते हैं, इसमें डालते थे जी गोला और छोड़ देते थे किले के ऊपर से। टायर देखिए और एंगल घुमाने के लिए देखिए वहाँ स्क्रू देखिए कितना बड़ा, इससे सेट। और अगर इसको सपोर्ट देनी होती है तो इसके पीछे देखिए यहाँ और भी सपोर्ट देने के लिए, बाहर देने के लिए चीज़ लगी हुई है। और एंगल सेट करने के लिए वहाँ बीचों बीच आपको कुछ नज़र आ रहा है ऐसा। कभी चला करती थी, अब देखिए कबूतर वहाँ से बैठे हैं और इनका भी मूड नहीं है फोटो फोटो देने का। आगे पहले गोले आया करते थे और सीधे यहाँ से दुश्मन पर। ये देखिए जलमहल, जलमहल है जलमहल, हाँ यहाँ से जलमहल भी दिख रहा है। पेट्रोलिंग के लिए उस ज़माने में पेट्रोलिंग के लिए क्या कुछ हो रहा है बाहर, कोई ख़तरा है या नहीं, किले की हर दीवार पर सॉरी किले के बाहरी तरफ आपको इस तरह की दीवार मिलेगी। ये भाई साहब जो आ रहे हैं पीछे देख रहे हो पूरी दीवार है। जब आमेर के किले को फतेह कर लिया था, आमेर अलग रियासत है तो जयपुर के महाराजा ने इसको फतेह कर दिया था तो इसलिए अपने विजय दर्शित करने के लिए उससे उससे भी ऊंचा और ये जैगट बनाया था। जैगट यानी कि विजय का प्रतीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये जयपुर रियासत नहीं है, अपना आमेर रियासत में है लेकिन इसको जयपुर ने अपने अधीन ले लिया इसलिए ये जैगट। ठीक है ठीक है। ये आमेर झील देख सकते हैं आप, आमेर को आमेर झील जो है वो आमेर फोर्ट के सामने, आमेर फोर्ट यहाँ से थोड़ा दिख नहीं रहा क्योंकि वो सामने दीवार आ गई। ये देखिए आमेर दीवार ना हो तो वहाँ से आमेर फोर्ट दिखेगा, ये वाली दीवार। सुरक्षा दृष्टि से ये दर्रा या खाई, खाई है ये, ये खाई है। तो चलिए थोड़ा सा राउंड, हम जितनी श्रद्धा है एक्चुअली हम सुबह से घूम रहे हैं तो इतनी पहुंच नहीं है, इतनी श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस दीवार का चक्कर आपको दिखाई दूं मैं आपको। थोड़ा आगे चलते हैं शायद हमें आमेर फोर्ट के दर्शन हो जाएं। वहाँ पे चलो करते जा रही है। देखिए जयपुर के महाराजा का फ्लैग, जयपुर रियासत का फ्लैग। यहाँ से देखते हैं कि क्या आमेर फोर्ट की कुछ चीजें दिख रही हैं यहाँ से। नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, क्लियर हो गया। उतना दिख जो अगली दीवार से आ बस आमेर कुंड यानी कि आमेर लेक, आमेर झील जो है थोड़ी सी क्लियर दिख रही है यहाँ से। उसकी पार्किंग भी देख सकते हैं, हम जाएंगे यहाँ भी। तो दोस्तों इतनी दूर आने के बाद भी आमेर फोर्ट यहाँ से हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो जो है वहाँ उस पॉइंट से शायद हमें आमेर फोर्ट दिखे। इतना बड़ा किधर है वो देखिए आमेर फोर्ट, झील, झील के बिल्कुल साथ। ये देखिए ये जहाँ ये झील आमेर फोर्ट, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, और झील के बीचों बीच खूबसूरत पार्क है पौधे से लगे हुए जो ऊंचाई पर लगा हुआ है। देखते हैं आगे से, देखते हैं थोड़ा कितना बड़ा झंडा। और आई थिंक कि ये जयगढ़ फोर्ट की सबसे ऊंची ऊंचाई ऊंची जगह है।
यहाँ से तो जी दिखने की कोई जगह ही नजर नहीं आ रही। हाँ दिख रहा है, 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 लेकिन कैमरे में आ रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। दिख गया एकदम क्लियर, आमेर फोर्ट। देखिए आपको आमेर दिखाने के लिए हम कहाँ से कहाँ बाइक से यहाँ पे लीजिए, ये है जी आमेर फोर्ट। अब इधर से वापस चलेंगे, वो देखिए लोग जा रहे हैं, बाइक लेके आ सकते हैं, हाथी भी चलता है, हाथी की सवारी भी होती है। जयगढ़ से बैठेंगे तो आमेर फोर्ट से आपको यहाँ ले आएंगे। ठीक है, जयगढ़ से हाथी की सवारी करते हुए आप जा सकते हैं आमेर फोर्ट। अगर आपके पास बाइक है आई थिंक यहाँ पर किराए की बाइक मिलती होंगी। चल पड़ेंगे, वो गाड़ी इधर ले आएंगे, मैं देखता हूँ। सनसेट होने में अभी वक्त है, काफी सारी चीजें और भी कवर करनी है। वो देखिए यहाँ लंगूर है। तो फ्रेंड्स ये है आर्मरी, हम अंदर नहीं जाएंगे, मैं बाहर से आपको थोड़ा सा दृश्य दिखा देता हूँ किधर कुछ है। लंगूर है, देख लीजिए अपने कलोल दिखाते हुए। वो देखिए कैमरे का ध्यान रखना होगा क्योंकि इनकी छलांग भी बहुत लंबी होती है। शस्त्रागार है ये सारा, यहाँ से लेकर वहाँ तक, और यहाँ से हम जाएंगे वापस जाकर यहाँ से। जैसा कि मैंने बताया गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती, छोटी गाड़ियाँ जैसे कि बाइक, और अगर आप जाएँ तो पैदल आमेर जो हमने वहाँ ऊपर से देखा था वहाँ तक जाया जा सकता है, लेकिन हमें वहाँ अगर जाना है तो वापस जाना होगा। और आज हम आमेर पूरा देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि टाइमिंग्स भी हैं, यहाँ भी पूरे हम टाइम पर पहुँचे थे, तो सही रहेगा कि हम इसकी बजाय कुछ और देखें, बच्चों को मेट्रो दिखा दें या कोई और भी जगह। उसका वक्त ही निकल गया, हम तारामंडल भी नहीं जा सकते, बिरला म्यूजियम का भी वक्त निकल चुका है, चार से बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वो भी नहीं देखा जाएगा। कोई भी ऐसी छोटी जगह कवर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जी हमारा एयरपोर्ट, जगह तो नहीं दिख रहा यहाँ से, आमेर थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। चलिए चलते हैं, ये पिकनिक स्पॉट है, जैसे चंडीगढ़ में सुखना लेक पर लोग अपना समय निकालने आते हैं वैसे यहाँ फोटोग्राफी करते हैं लोग। शॉपिंग भी है यहाँ, ओपन शॉपिंग, खाना पीना। तो देखिए जल महल करीब से, ये अपने आप ही चलती है। खुलता खुल जाएगा।